वाराणसी से गंगा यात्रा बुधवार को अस्सी घाट से शुरू हुई। मौसम की खराबी के चलते सीएम योगी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। अस्सी घाट पर मंत्री आशुतोष टंडन, मंत्री नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल ने गंगा आरती में शिरकत की। यहां बच्चों से मुलाकात के बाद गंगा किनारे सभी ने संकल्प के साथ पूजन किया। आज की यात्रा अस्सी घाट से होकर रामनगर से चुनार मिर्जापुर जाएगी। इस यात्रा में सीएम योगी मिर्जापुर में शामिल होंगे। 31 तारीख को कानपुर में दोनों यात्राओं का मिलन भव्य समारोह होगा। 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की इस यात्रा में सरकार की योजनाओं को गंगा किनारे गांवों में पहुंचाया जा रहा है। गंगा मैदान और ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदूषण गंगा में न हो इसलिए यह यात्रा निकाली गई। आज की यात्रा यहाँ अस्सी घाट से आरंभ होके रामनगर चुनार होते हुए मिर्जापुर जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी मिर्जापुर में इस यात्रा में शामिल होंगे। आप सबको विदित है कि 27 तारीख को दो यात्राएं शुरू हुई। एक बिजनौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा का शुभारंभ किया और गाजीपुर से महामहिम राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया और 31 तारीख को कानपुर में दोनों यात्राओं का मिलन होकर एक बड़ा समापन कार्यक्रम प्रस्तावित है। कल से ये यात्रा वाराणसी में है। कल आपने देखा वाराणसी में कितने उल्लासपूर्ण वातावरण में इस यात्रा का स्वागत हुआ। ये यात्रा गंगा जी का जितना प्रवाह उत्तर प्रदेश की सीमा में है लगभग 1100 किलोमीटर उस दूरी को तय करेगी दोनों यात्राएं और उस पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उस रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं उनको सभी सरकारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, उससे आच्छादित किया जा सके, इसके लिए हर जगह जन चौपाल लगाई जा रही है। आरोग्य मेले लगाए जा रहे हैं जहां लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्ट्रेशन हो रहा है, निशुल्क दवा उनको दी जा रही है। रूट पर जितने भी ग्राम और नगरीय क्षेत्र पड़ रहे हैं सब में एक एक गंगा मैदान का निर्माण होगा जिसमें खेल कूद की व्यवस्था होगी, ओपन जिम होगा, शौचालय होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी। उस रूट पर सभी ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जहां नहीं है वहां निर्मित किए जाएंगे और इसलिए कि लोग शव को जो है वो गंगा जी में प्रवाहित ना करें। कृषि विभाग बहुत जगह कृषि मेले लगा रहा है, लोगों को ज़ीरो बजटिंग कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पशु आरोग्य मेले लग रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, छात्रों के द्वारा आयोजन हो रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है और इस सब के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जनता इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास समाज में है ये कि गंगा जी का जो प्रवाह है वो अविरल निर्मल और पवित्रता के साथ हो, इसके लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सरकार अपना काम कर रही है, जनता भी किसी तरह की गंदगी गंगा जी में प्रवाहित ना हो इसके लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं।